हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? तो आज हमारी क्लास का 10th डे है। तो 9 क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में भी हम थोड़े यूनिक वाले बेल्ट सीखने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासेस से हमने बहुत टाइप के यूनिक बेल्ट्स सीख लिए हैं। आज भी कुछ नए मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आई हूँ, तो आज हम वो सब सीखने वाले हैं। ये सारे बेल्ट सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेहंदी में बहुत ज़्यादा बेल्ट ही यूज़ होते हैं, इसलिए आपको बहुत अलग अलग टाइप के बेल्ट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेम टाइप के बेल्ट मेहंदी में रिपीट करते हो तो मेहंदी में बिल्कुल भी यूनिकनेस नहीं रहेगा और आपकी मेहंदी वही पुरानी सेम बेल्ट वाली दिखेगी। तो इसके लिए आपको हमने इस एडवांस क्लास में जो भी यूनिक और एडवांस बेल्ट सीखे हैं वो सब आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी मैं आप देख सकते हो एक सिंपल लेकिन अलग टाइप का एक बेल्ट बना रही हूँ, जिसमें मैंने इस तरीके से ट्रायंगल्स के शेप में बना रही हूँ। आप मेहंदी में जितनी ज़्यादा नई डिज़ाइंस और डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फिनिशिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। जितना आपका कॉन्फिडेंस और फिनिशिंग बढ़ेगी उस पर ही डिपेंड है आपकी स्पीड। अगर आप अपनी डिज़ाइन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप स्पीड से काम नहीं कर सकते। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी डिज़ाइन आप हमेशा निकालते हो और बहुत ज़्यादा बार आपकी कोई डिज़ाइन की प्रैक्टिस हो चुकी हो तो आप वो डिज़ाइन बहुत फास्ट निकाल लेते हो। तो वही अगर आपको कुछ नए डिज़ाइन निकालने को बोला तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन की उसमें आप उतनी ज़्यादा स्पीड ला सकोगे। बहुत सारे कमेंट्स थे कि स्पीड कैसे बढ़ाना है, आप मेहंदी निकाल लेते हो लेकिन स्पीड नहीं है। तो इस पर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेहंदी का काम ही धीरे से करना है। अगर आप फास्ट काम करोगे तो आप बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं दे पाओगे क्लाइंट को। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको टाइम लगने वाला है। ब्राइडल को 6-7 घंटे लगना बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि इतने बड़ी लेंथ की डिज़ाइन अगर आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ डिज़ाइनर निकालोगे तो टाइम लगने वाला है। 5-6 घंटे या फिर 6-7 घंटे नॉर्मल है ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स है कि आपको कितना टाइम लगता है मेहंदी निकालने में, तो मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाती, क्योंकि हर एक मेहंदी डिज़ाइन पर डिपेंड होता है कि टाइम कितना लगने वाला है। अरेबियन मेहंदी होगी तो 1.5-2 घंटे में ही हो जाएगी, फुल हैंड होगी तो 3-4 घंटे में हो जाएगी, ब्राइडल होगी तो 6-7 घंटे में हो जाएगी। और उसमें भी क्या पैटर्न बनाना है उस पर डिपेंड है कि टाइम कितना लगने वाला है। तो मैं फिक्स कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं कर पाती कि मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है, क्योंकि हर एक डिज़ाइन पर डिपेंड होता है कि टाइम कितना लगने वाला है। तो आई होप आपका ये टाइम वाला और ये स्पीड वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक झुमके वाला बेल्ट निकाल रही हूँ, एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा झुमके वाला बेल्ट है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और हर एक शेप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करिए।
आज भी हमने बहुत सारे नए डिज़ाइन सीखे हैं, नए बेल्ट सीखे हैं। आई होप आप ये सारे बेल्ट अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और एक दो बेल्ट हमारे बाकी है जो हम अभी कंप्लीट करेंगे, उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर आपका कोन मेरे कोन की तरह पेंसिल की तरह स्मूथ नहीं चल रहा है, इतना सॉफ्ट और इतना बारीक नहीं चल रहा है, तो आपको रेडीमेड कोन से इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपके घर के खुद के कोन बनाने हैं, आपको बहुत बारीक टिप वाला कोन बना के प्रैक्टिस करना है, तभी ये प्रैक्टिस आपकी कुछ रिज़ल्ट दे पाएगी। अगर आप मार्केट के मोटे टिप वाले कोन से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मतलब हमारे जो क्लास फॉलो कर रहे हैं उसमें से बहुत लोगों ने हमारा प्रोडक्ट बाय कर लिया है, मेहंदी पाउडर, मेहंदी ऑयल, कोन शीट्स और स्पैचुला और एक्रेलिक हैंड, अभी तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर लिया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ रिव्यूज़ भी शेयर किए हैं। और अगर अभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर करने के लिए सेफ़ फील नहीं हो रहा है हमारी व्हाट्सएप नंबर से, तो आप इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स चेक करिए, स्टोरीज़ चेक करिए, रिव्यूज़ चेक करिए, तभी आप ऑर्डर करिए। आई नो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, लेकिन हमारा पर्टिकुलर एक ही व्हाट्सएप नंबर है, हम एक ही व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर्स लेते हैं। और मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक ऑर्डर मैं स्टोरी पर लगाऊँ, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो बैठ सके कि हाँ हमारे ये ऑर्डर स्टोरी पर है, मतलब हमारा ऑर्डर निकल चुका है। मैं हर एक ऑर्डर नहीं लगा पाती, लेकिन मोस्टली ट्राई करती हूँ जब भी टाइम मिले ऑर्डर का फ़ोटो स्टोरीज पर लगा देती हूँ। तो आप निश्चिंत होकर ऑर्डर करिए। और जिन्होंने दो तीन बार पहले ही ऑर्डर कर लिया है, वो लोग तो अभी बल्क में भी ऑर्डर कर रहे हैं और लिटरली कौन सेल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स लेके। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्दी व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए और अपने कोन खुद बनाइए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा इस प्रैक्टिस का, इस कोर्स का। क्योंकि जितना अच्छा और स्मूथ कोन होगा ना, उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग और उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर मैं अपना लास्ट बेल्ट निकाल रही हूँ आज की क्लास का। आज की क्लास के लिए इतने बेल्ट काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर एक साथ ही बहुत ज़्यादा दे दूँगी तो आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इतने जो आज के जो बेल्ट दिए हैं, आप उसी की अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बारीक प्रैक्टिस करिए, मेहंदी जितनी हो सके उतनी बारीक डिज़ाइन निकालिए। तो अभी हम देख लेंगे एक बार सारे बेल्ट आज के हमने क्या क्या निकाले थे। तो ये रहे हमारे आज के बेल्ट जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बारीकी से बने हुए हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने हुए हैं। तो आपको मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर सच में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।